हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लौकी के कोफ्ते की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी, जो कि झटपट से बन जाएगी और आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी, और जो नहीं खाता वो भी इसे खाना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लौकी ली है, मेरे पास रखी हुई थी ये, और अब मैं क्या करूँगी, इसे जो है ग्रेट कर लेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपके पास जो लौकी है, अगर वो उसके बीज मोटे हैं तो आप उसे निकाल दीजिएगा, वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसे अच्छे से हमने ग्रेट करना है। तो ये मैंने ग्रेट कर लिया है, अब इसे ना थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे, और बहुत सारा पानी नहीं निकालना है, थोड़ा ही निकालना है। अगर इसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा ना तो बेसन ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, तो वो अच्छा नहीं बनेगा हमारा जो कोफ्ते हैं हमारे। इसे अच्छे से निकाल लेंगे और इसे जो है एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने इसे स्क्वीज कर लिया है और ये पानी हम रख देंगे, इसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे। और अब इसमें हम मिलाएंगे हमारे कुछ मसाले। थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्का सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, और साथ में डाल देंगे नमक स्वादानुसार। तो मसाले आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी में हम मिला देंगे थोड़ा सा बेसन। तो बेसन एक बार में सारा नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही देखेंगे। और मैं बहुत कम मसाले इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा इसमें मैं जीरा भी ऐड करूँगी और वापस इसे जो है मिक्स कर देंगे। आप इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इनके हम कोफ्ते बनाएंगे। तो पहले मैं हैंड को जो है वॉश कर लेती हूँ। तो अब यहाँ मैं हाथों में थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हैं, घी, रिफाइंड, कुछ भी। और अब क्या करेंगे, इस तरह से एक पोर्शन लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ स्टफिंग। तो यहाँ मेरे पास काजू और किशमिश है, जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इन्हें मिक्स कर देंगे, काजू और किशमिश को, और इसमें हम इसकी स्टफिंग थोड़ी सी भर देंगे। तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है, थोड़ी सी ही भरनी है, और इस तरह से इसे हम कोफ्ते का शेप दे देंगे। तो मैं इसे सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो बस अब इसे हम बनाते चले जाएंगे और फ्राई करते चले जाएंगे। तो ऐसे ही हम बना लेंगे सारे। और यहाँ हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया है और इसे हम इस तरह से डाल देंगे। तो पहले आप एक डाल के देखिएगा, अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग ठीक है तो ही आप बाकी के डालिएगा। तो यहाँ बाइंडिंग बिखरनी नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे ही बाकी के भी डाल के बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे जो हैं इसमें डाल दिए हैं, और अभी इन्हें हम टच नहीं करेंगे, इन्हें अच्छे से हम थोड़ा सा एक तरफ से पकने देंगे, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो फ्रेंड, जब इस तरह से ये एक तरफ से पक जाए तभी हम इसे फ्लिप करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे कोफ्ते जो हैं फ्राई होते हैं, हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ मेरे पास कुछ काजू है, जिसे मैंने भिगो के रखा हुआ है, और ये डाल दूंगी 5 से 6, और साथ में डाल दूंगी टमाटर, और इसकी एक हम पेस्ट बना लेंगे, प्यूरी सी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे टमाटर और काजू का पेस्ट है वो बनके तैयार है, इसे अभी हम साइड में रख देंगे। इधर हमारे कोफ्ते भी देखिए रेडी हैं, ये देखिए। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें कलर आना बाकी है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो हमारे कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने सारा ऑयल जो है, एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसमें से हटा दिया, और इसमें डाल देंगे जीरा। तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें सामान नहीं डाल रही हूँ, सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। और यहाँ डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे जो है फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारे प्याज हैं थोड़े से फ्राई हो गए हैं, और अब इसमें डाल देंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी इसके साथ भून लेंगे। और ये जो है ना, पानी हमारे पास थोड़ा सा जो कि हमने बचा के रखा था, 2 टेबलस्पून मैं इसमें ये डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप जो प्याज भूनेंगे थोड़ा सा अच्छे से ही भूनिएगा, जब तक वो सुनहरे रंग का ना हो जाए। और इसमें हम पानी डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, और इसको अच्छे से भूनते चले जाएंगे। तो ये वही पानी मैं डाल रही हूँ जो कि हमने लौकी को स्क्वीज करके निकाला था। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से हमारा भुन रहा है, और इसी बीच हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, देगी मिर्च, हमने पहले भी मसाले डाले हैं कोफ्ते में, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च, धनिया, और साथ ही में मैं डाल दूंगी नमक, तो नमक स्वादानुसार ही जाएगा, और नमक हमने पहले भी ऐड किया है। और इसे भूनेंगे, तो अच्छे से भून लेंगे ताकि ये मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। और इसमें बचा हुआ पानी भी हम ऐड कर देंगे, और वापस से इसे भून लेंगे मसालों को इसी के साथ ही। और आप इसका रंगत देख सकते हैं सब्जी के, हमने इसको काफ़ी भूना है। और इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, तो इसे भी इसके साथ ही हम भूनेंगे। और जो हमने पेस्ट बना के रखा था काजू और टमाटर का, अब यहाँ पर डाल देंगे। तो इसे भी भून लेंगे इसी के साथ ही, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इन्हें भी भून लेंगे। तो मसाले को बढ़िया से भूनिएगा, तो आपकी जो सब्जी का टेस्ट है, कलर है और टेक्सचर है, बहुत ही बढ़िया आएगा। हमने इसमें काजू ऐड किया है, तो इसे बढ़िया से भूनना है, और कंटिन्यूसली आप भूनिएगा, क्योंकि काजू बहुत जल्दी जो है नीचे जाके चिपक जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया से भुन गया है, ये देखिए। और इसमें मैं डाल दूंगी पानी, तो अभी थोड़ा ही पानी मैंने डाला है, मैं और डालूंगी, क्योंकि ये वो वाला पानी है जिसमें कि हमने ये मसाला पीसा था। तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर कोफ्तों में बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने 1 कप के आसपास जो है इसमें पानी डाला है, और इसे जो है अच्छे से बॉईल होने देंगे। यहाँ मैं कुछ भीगे हुए काजू मेरे पास बच गए थे, तो वो भी ऐड कर रही हूँ, पर ये ऑप्शनल है, मेरे पास बच गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया है। आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप डालना भी चाहें तो फ्राई करके डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ गया है, कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे, और इसे एक बॉईल और आने देंगे। अभी ये जो ग्रेवी है ना, थोड़ी सी थिक हो जाएगी, और इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच भर के मलाई, जो दूध की मलाई होती है, और इसे जो है हम मिक्स कर देंगे, और बहुत ही बढ़िया ये ग्रेवी बनके तैयार होती है। और ये मलाई जो है आप स्किप भी कर सकते हैं, और जैसे ही ये जो है कोफ्ते जो ग्रेवी सोक करेंगे तो ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, और इसे अभी हम ढक देंगे। तो फ्रेंड्स अब इसे हम हटाकर देख लेंगे, तो देखिए थोड़ी सी ग्रेवी जो है गाढ़ी सी भी हो गई है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे कर देंगे मिक्स, और इसे जो है हम सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने ये बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। तो इसे आप
जब कोफ्ते आपने खाने हो तभी आप इसे जो है इसमें सोक करिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे कोफ्ते की बहुत ही डिलीशियस सी सब्जी, जो कि बच्चे बड़े बूढ़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। आई होप कि ये रेसिपी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगली बार एक और इजी हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।